अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट निदा खान। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं अनम गौहर। माय नेम इज यूनुस खान एंड आई एम अ क्रिकेट फैन। ओके, नाइस। माशाल्लाह से आई थिंक जी एवरीबॉडी इज आई थिंक। आर यू? यस। आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस देन। नहीं देन। एलबीडब्ल्यू का मतलब बताएं। क्रिकेट वो क्या होता है? पाकिस्तान मैच जीत गया 4 out of 4, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब कौन आउटसाइड पे टॉप करता है उनके साथ हमारा सेमीफाइनल होगा, एंड लेट्स सी वी विल बीट देम। और माशाल्लाह से हम लोग अभी बिल्कुल हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं सबको और वाइट वॉश करेंगे वर्ल्ड कप। वाइट वॉश मतलब कि हर मैच जीतेंगे। सो व्हाट्स द न्यूज़? अच्छा, न्यूज़ की अगर बात हो रही है तो मैं कुछ बड़ी अलग सी चीज़ पे बात करना चाहूँगी। वैसे तो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी की बात है, पानी पे बात करना चाहूँगी। पानी एक हमारी लाइफ का ऐसा अहम जुज़ है, अहम आंसर है, जिसको मुझे लगता है कि बिकॉज इंसानी बॉडी भी 70% पानी ही होती है। आपने जैसे पानी के डालने प्यास लगी मैं आपको ब्रेक में पानी पिलाऊंगी, बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। अच्छा, पानी मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत अंडररेटेड सा एक टॉपिक है, क्योंकि पानी हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मगन हो चुके हैं कि हमें अगर दिन में कोई बोले कि आप पानी पी लें तो हम कहते हैं एक दो घूंट पी लेते हैं और छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है पी लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा बॉडी का सिस्टम है उसे ठीक से वो फंक्शनल रहे, वो ऑपरेट करता रहे, उसके लिए पानी सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो मैं इसलिए आज पानी पे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे टैबूज़ हैं, वो ब्रेक करना चाहूँगी। मुझे आप सबकी अटेंशन चाहिए और कुछ सवाल भी आप लोगों से करूँगी। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं सुबह 9 to 5 जॉब करती हूँ या मैं जाके जिम में काम करती हूँ, काम नहीं करती, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। तो हमेशा आपने सुना होगा कि ट्विटर बार बार रिमाइंड करवाता रहता है कि स्टे हाइड्रेटेड, जितने भी सोशल हमारे पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सबसे पूछ रहे हैं स्किन का रीज़न, तो एक ही जवाब आता है पानी। मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बहुत सोती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स आते हैं कि पानी पिए, कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। लेकिन क्या हम पानी को इतनी अहमियत देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए? बिकॉज एक रिसर्च मैं पढ़ी थी, अभी रिसेंट हुई है, पानी को लेके, कि कहा जाता है कि आप 8 से 12 ग्लास दिन में लाजमी पिए। ठीक है, आप सबने भी बचपन से यही सुना होगा। और हमारा एक मसला ये है कि हम वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, जो पीछे से बातें चलती चली आ रही है नस्ल दर नस्ल, हम उस पर आँख बंद करके, कान बंद करके यकीन कर लेते हैं बगैर ये सोचे समझे कि हमारी बॉडी आपकी बॉडी से अलग है। सबकी बॉडी का काम करने का तरीका अलग है, सबकी ज़रूरियात अलग है। जब मैं कहती हूँ, मैं एक बात करती हूँ, इतने करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, जब सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं तो हाउ कैन यू से कि सबको दिन में 8 से 12 ग्लास या 1 लीटर पानी पीना चाहिए? एवरीवन इज डिफरेंट। यस, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका वेट अलग है, सबका BMI बॉडी मास इंडेक्स अलग है। तो सबकी ज़रूरियात भी उस हिसाब से हो सकती है, क्योंकि वो जो आप पानी पी रहे हो वो भी आपको नहीं पता कि वो हाइड्रेटेड है, उसमें कौन से कितने मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं। आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है पानी की उतना ही वो रखती है, बाकी आपके जिस्म से जो भी गैर ज़रूरियात चीज़ें होती हैं वो लिक्विड हो सकता है, वह सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। जो एवरेज लोग बोलते हैं कि 1 से 2 या 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, इट्स रॉन्ग जी, ये सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि मैं बता रही हूँ सबकी बॉडी में कि देखें, कुछ लोगों के वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ के बहुत कम होते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दूँ, हमारे जानने वाले हैं, मैंने एक वो देखा है कि जिस तरह ये बिल्डर्स होते हैं, जब वो किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे होते हैं तो वो अपना पानी का इंटेक रोक देता है, तो व्हाई इज दैट? क्योंकि वो श्रिंक होना चाहते हैं। मैंने सुना वाटर का भी अपना वेट होता है। बिल्कुल, वाटर का वेट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने कभी ऐसा देखा हो कि आपको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और आप सिर्फ पानी के 2 ग्लास पी लें, तो आपको कुछ देर के लिए लगा कि मेरा पेट तो भर गया, इसमें किसी और चीज़ को एब्जॉर्ब करने की सकत ही नहीं बची। अनम, आई वॉन्ट सिर्फ एक सवाल आपसे करूँगी कि आप पॉइंट जो डिस्कस करी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं समझ पा रही, सो व्हाट्स द कंक्लूजन, क्या है इसका? मैं ये आप देखें, पानी के मुद्दे पे बात करने का मेरा मकसद ये कि मैं अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर सकूं इस बारे में कि पानी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पीने हैं।
आप देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और अगर आप डॉक्टर को जाके, क्योंकि एक आम इंसान को भी कहा जाता है कि आप मंथली या 6 महीने में कम से कम एक दफ़ा आप अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो जो आपको कहता है आपकी पूरी बॉडी के बारे में आप उसको अपनी रूटीन बताएं। एक घर में रहने वाली खातून है जो बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसको भी 10 से 12 ग्लास पीना है, ऐसा लाजिम नहीं है। तो ये जो रिसर्च सामने आई है जिसके मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, क्योंकि मैं भी आज तक यही मान रही थी कि 10 से 12 ग्लास में पीऊँगी तो ही मेरी स्किन अच्छी रहेगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी और मैं सारे काम ज्यादा भाग दौड़ करके कर पाऊंगी, एक्टिव रहूंगी, बट नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। ये भी है कि अगर जिन लोगों को लगता है कि वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है उनका गला सूख जाता है, उनको पानी की चाहिए, तो मे बी इट्स अ डिजीज। जी नहीं नहीं, मैं इस पे एक और बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, थैंक यू यूनस। ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब मुझे प्यास महसूस नहीं हो रही तो क्या तब भी मैं पानी पीऊँ? नहीं, आप बिल्कुल मत पिए। अगर आपको फील नहीं हो रहा कि आपका गला खुश्क हो रहा है और आपके जिस्म को आपको खुद फील हो रहा है कि पानी की जरूरत नहीं है, तो बिला वजह पानी का इनटेक भी आपके लिए नुकसानदेह है। ये हम लोगों की बातों में आके पीना तो शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा पानी, लेकिन उसके नुकसान भी हैं, और ज़्यादा पानी पियेंगे तो एट टाइम्स आपकी किडनी भी उससे डैमेज हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम पे कर दोगे ना, इंतहा कर दोगे उसकी, तो वो आपके लिए नुकसान दे। तो कीप इट इन बैलेंस, खाना हो या पानी, तो तब आपको ज्यादा पानी का इंटेक रखना चाहिए, क्योंकि आप स्वेट कर रहे हो तो बॉडी से अपना पानी निकल रहा होता है। तो बट मैं थोड़ा सा आई बिलीव कि बॉडी आपको खुद सिग्नल देती है कि पानी चाहिए, खाना चाहिए। व्हेन आई वर्क आउट तो मैं बहुत पानी पीती हूं। हां, लेकिन मैं एक थोड़ी सी चीज, कितना पानी पीती हैं आप दिन में निदा? मैं दिन में कम पीती हूं, बट जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ तब मुझे ज़्यादा प्यास लगती है। मैं एक दो दफ़ा वर्कआउट कर लिया, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ। अच्छा अनम, आपने बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट यहाँ पर आप लेकर आई, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी जो है वो रिसर्च है, एक सर्वे के मुताबिक जब मैंने भी सर्वे किया था उसमें तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक भी यही चीज़ थी कि आप कितना पानी ले रहे हैं और कितना पानी नहीं ले रहे, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कुछ ज़्यादा की हमारे जो पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में एक सर्वे है इसके मुताबिक जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत कम पानी पिया जाता है। अगर हम थर की बात करें तो थर में बहुत सारा जो है वहाँ पर तो पानी नहीं है, जितनी पानी की किल्लत है थर में पानी नहीं है। इसी के अलावा आप खुद कराची की हम बात कर लें, कराची में भी ऐसे बहुत ज़्यादा, आप जाके हॉस्पिटल में अगर सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि लोग पानी ही नहीं पीते हैं। और देखिए कोई भी चीज़ ना, एक तो होता है ना कि हम कोई चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं तब भी नुकसानदेह है, और अगर बिल्कुल नहीं कर रहे तब भी नुकसानदेह है। सो अच्छा लेट मी फिनिश, मैं एक बात आखिरी कर दूं कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस होते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक ज़रूरत है, उसके बारे में लोग ज़्यादातर नहीं बात करते। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ ख़वातीन को, मैं ज़्यादातर कहती हूँ क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं वो घर में भी इतना काम काज में मसरूफ़ होती हैं कि वो ज़्यादातर पानी पीना भी भूल जाती है। जब आप किचन में काम कर रहे होते हो ना तो आप पानी पीना भूल जाते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कुछ नहीं, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए जो है वो पानी टाइम पर पिया करें। सना, आई वॉन्ट टू एड टू थिंग्स। नंबर वन, नीता ने कहा कि वो वर्कआउट करती हैं तो वो पानी पीती हैं। आप एक चीज़ समझेंगे, अगर आपकी बॉडी में पानी जा रहा है तो ये निकलेगा भी, इट्स आइदर थ्रू वर्कआउट और यूजिंग वॉशरूम। तो आप जितना पानी पिए लेकिन मेक श्योर करें कि वो पानी निकले भी। इससे क्या होता है, वेट लूज भी होता है। और जो जिम वाले लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ये नमक भी खत्म कर देते हैं, ये पानी भी खत्म कर देते हैं, फिर आपकी स्किन और पतली लीन होने लगती है। तो पानी आप पियेंगे, बॉडी में हमारे ऑलरेडी एक वाटर वेट है, तो मेक श्योर करें आपकी जितनी गुंजाइश है उतनी ही पिए, और अगर आप ज्यादा पी रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो निकले भी थ्रू वर्कआउट। औरतें जो हैं स्पेशली, पानी औरतों को क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। जी, अगर पानी आप नहीं पियेंगे, और पानी ना पीने से आप 3 दिन में, अगर आप 3 दिन पानी नहीं पीते तो आपकी मौत भी वाकई हो सकती है। तो मेक श्योर करें इफ यू ड्रिंकिंग वाटर, और क्लीन वाटर। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्लीन वाटर लेना, लेकिन जो ब्रांडेड या आप बॉटल्स खरीदते हैं उससे भी सही है, ठीक है, जिनको सूट करता है। ऐसा भी है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको एक कंपनी सूट नहीं करता पानी, दूसरा कंपनी कर रहा होता है। तो सब टू द पर्सन, और ये सब डिफरेंट है, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अगर आपकी बॉडी रिक्वायर करती है,
डिमांड करती है तभी पीजिए। अच्छा मैं एक लाइन यूनस यहाँ पर ऐड करूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे यहाँ पर आवाम सबसे बड़ी जो मैं कहती हूँ कि अपने लिए वो नहीं सोचती, वो ये है कि आप जब भी आपको देखें, यूनस ने बड़ी अच्छी बात की कि आप पानी पी रहे हैं, आप पानी इनटेक कर रहे हैं, आपको पानी जो है जो आप पी रहे हैं उसे निकालना ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोट की और ये सर्वे भी है कि आपने अपनी जो यूरिन है उसे यूरिनरी ट्रैक में नहीं रखना है, यानी कि जब भी आपको फील हो ज़रूरी है, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है, वरना आपको जो है वो बहुत सारी दीगर बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। आप कितनी लंबी लाइन थी पता ही नहीं मुझे। अच्छा ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो हमने पीने के पानी की बात कर ली ना, हम जो पानी यूज करते हैं उस पे बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात कर रहे हैं हम पीने वाले पानी की, ब्रेक के बाद करेंगे हम यूज करने वाले पानी की। यूज करने वाला पानी जो है पूरी। अच्छा यूनुस यहाँ पे मुझे एक सवाल का जवाब दे, आपने कहा ब्रेक पर जाने से पहले हम पीने वाले पानी के, क्या हमारे कराची में पीने वाला पानी और यूज करने वाला पानी अफसोस के साथ क्या हुक्मरान अलग रखते हैं? नहीं। क्या सवाल उठाया? नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऐसा है कि जो ऐसे एरियाज हैं स्पेशली कराची में पीने का पानी तो दूर ऐसा पानी अवेलेबल है जिसको आप यूज भी नहीं कर सकते। True. जो आपको दिया जा रहा है कि आप इसको पिए और इंजॉय करें लाइफ। बट ऑन दी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ओवरऑल पानी जो है दुनिया में वो खत्म हो रहा है, क्लीन वाटर फॉर यूजेज। पीने का वाटर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा जल्दी, जो आप यूज करने वाला पानी भी है ना वो भी खत्म होने वाला है। एक सर्वे के मुताबिक 2025 तक कराची में जो क्लीन वाटर है फॉर यूजेज ये खत्म होने वाला है। ऑल ओवर वर्ल्ड 2050 में कुछ पर्टिकुलर अपार्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे जो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि उनकी जो आवाम है वो उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं भी इसमें बात एक ऐड करना चाहूँगी यूनुस के, वाकई में जब हम वॉशरूम यूज़ करते हैं और नल खुले छोड़ देते हैं, ठीक है, बच्चे जाते हैं, हम उनको लुक आफ्टर नहीं करते और वो काफ़ी टाइम तक जो है वो पानी वेस्ट होता रहता है, तो आप देखें ना कि जब तक आप बच्चों को या खुद भी हमारी आदत है कि जब हम लोग वॉशरूम में जाते हैं नल खुला होता है और हम लोग हाथ धो रहे होते हैं कंटिन्यू बेसिसली, बट ये है कि आप जब तक आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखें ना, जो हमारी नीचे तबका है उसको पानी नहीं मिल पाता, ठीक है, हम वो लोग तो वही गंदा पानी ही पी रहे होते हैं जो कि हम लोग उसको यूज़ करने के लिए भी हम लोग मुनासिब नहीं समझते। ईद मिलादुन्नबी है या ईद जैसा त्योहार है, इसके अलावा अगर हमने एक्स्ट्रा जोड़ा बनाया तो उसका भी हिसाब होगा। बिल्कुल ऐसा ही, पानी का गैस वाला पानी एक आ रहा है डिफरेंट एरियाज में जिनको पीने का पानी मिलता है, वो 10 रुपए में मेरे ख्याल से 6 लीटर पानी भर के देते हैं, 10 या 20 रुपए ऐसे, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट। तो वो ऐसा पानी होता है कि मैं गया, मैंने वहाँ पे पिया, मेरी मुझे वॉमिटिंग होने लगी सिर्फ पीने के पानी से, क्योंकि उसमें पता नहीं एक अलग स्मेल थी। तो आप इतना कराची की चलो बात कर लेते हैं कि कराची में जो एक एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पानी आ रहा है, इसके साथ में एक एरिया है जहाँ पे पानी नहीं है, तो टैंकर्स चलते हैं। हाँ। यहाँ से भरते हैं, इस एरिया में जाते हैं और 2,000, 3,000, 5,000 के टैंकर्स हैं पानी के लिए, और ये पीने का पानी नहीं है, ये यूज करने का पानी है। स्पेशली जो पी रहे हैं ना उनको पता भी नहीं है ये बात। जी जी, वो क्योंकि अब बचपन से वो पीते हुए आ रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं कि वो गंदा पानी पी रहे हैं, और जो उनको सारी बीमारियां हो रही है वो उसी पानी की वजह से हो जाती है ना। इम्यून तो हो रहे हैं लेकिन बीमारियां भी उन्हीं को रहती हैं। कराची में एक मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जी बिल्कुल ट्रेंड है एक चल गया वाटर टैंकर्स का। अगर आपने नोटिस किया हो कि वाटर टैंकर्स जो है वो कहीं से उनमें कोई होल हुआ हुआ है जिसकी वजह से वो पानी गिराते हुए निकलते हैं, और दिन में चले निकाल लें तो पीछे जो बाइकर्स होते हैं ना वो तो सेफ चले जाते हैं दिन में, क्योंकि दिख रहा है पानी है निकल जाएंगे। रात में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कराची में राइट नाउ बिकॉज ऑफ। एक और बात सुनिए, आई हैव हर्ड कि डीएचए में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, लाइंस नहीं, कनेक्शन नहीं, सो आई हर्ड कि ये टैंकर माफिया है जो कि आने नहीं दे रहा पानी। नहीं, टैंकर माफिया भी है, दूसरे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लोग हैं जो चोर भी हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया में है नहीं पानी, उन्होंने लाइन कनेक्ट कर दी कहीं मेन से, पूरा रोड खोद के अपनी पाइप करके अपने घर पे ले गए, ठीक है, और वहां से डायरेक्ट पानी चोरी कर रहे हैं। अच्छा, वो पानी जो दूसरे एरिया में जा रहा था वहां पे नहीं आ रहा। अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत सारे ऐसे एरियाज जिसमें कहते हैं 2 घंटे पानी आएगा,
12 से 2 ये 6 से 8 तुम हर जगह पानी आ रहा है डीएचएस अच्छा में हाँ। क्योंकि यहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं नो नो ऑल ओवर कराची में अराउंड एक बात बोलूं इजाजत अराउंड 20-30% एरियाज हैं जहाँ पे पानी आ रहा है वो भी 2 घंटे कहीं ना कहीं पूरा आ रहा होगा बेचारे वेट कर रहे होते हैं बहुत मेजॉरिटी एरियाज हैं कराची में अब पानी नहीं आ रहा बस एक मैं बात लास्ट कहना चाहता हूँ कि जो वाटर टैंकर्स हैं जो टैंकर चल रहे हैं रोड पे खुदा के लिए आप अपनी मरम्मत कराएं अपने टैंकर्स की बिकॉज पीछे जो गरीब है ना बाइक वाला उसका नुकसान हो रहा है वो गिर रहा है उसके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका खर्चा भी हो रहा है वैसे ही हालात थोड़े से डाउन है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है जितने भी होल्स हैं ना आप फिल कराएं अगर नहीं हो रहे तो फिर हम चोरी करें पानी जो बच्चे करते थे बाल्टी लेके पीछे भाग रहे टैंकरों के मेरा एक सवाल है कि जगह जगह फिल्टर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं तो वो क्या सेफ है आई मीन उनका जो पानी है वो काफ़ी फिल्टर है या बस सिर्फ नॉर्मल या एटलीस्ट गंदे पानी से तो बेटर है ना बहुत सारे ऐसे लोकल एरियाज हैं जहाँ बहुत गंदा पानी आता है तो एटलीस्ट के फिल्टर प्लांट्स के थ्रू वो थोड़ा सा तो साफ पानी पी रहे हैं मगर आपको पता है उस पानी में भी स्मेल होती है हाँ उसमें आई थिंक कुछ डालते हैं वो लोग इस तरह के एसिड अच्छा कीपिंग दैट इन माइंड कि हमारे पाकिस्तान के कराची की बात करूँ या और दूसरे शहरों की बात करूँ कि पानी की किल्लत तो है लेकिन अगर उसमें आपको फिल्टर प्लांट एक पानी मुहैया कर रहा है उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि उसको बॉयल करके पी लें क्योंकि वो जैसा भी होगा ना अगर आपने उसको बॉयल कर लिए तो जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे देन इट कैन बी सेफ फॉर योर हेल्थ तो आप उसके बाद प्रोसीड करें आपको पानी पीना है या इस्तेमाल में लाना वो भी इसमें सही था ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे खारा पानी को ना उबाल के पीते हैं अच्छा खारे पानी से एक मैं बात कहना चाहूंगी कि उससे प्यास भी नहीं बुझती खारे पानी से आपके बाल भी बहुत ख़राब होते हैं आपकी स्किन डैमेज हो सकती है खारा पानी तो आपकी सेहत के लिए मुझे लगता है गुर्दे फेफड़े जिगर भी ख़राब हो सकते हैं बेशक आपके पास जो भी पानी दस्तयाब है उसे उबाल कर पी लीजिए उबालने से सारे जरासीम मर जाते हैं लेकिन एक मसला हो जाएगा ना जी कि वो जरासीम की लाशें तो अंदर ही होंगी हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस पर मैं आज जाके थोड़ी पढ़ाई करूँगी अच्छा मैं यहाँ पर जो है वो एक चीज़ बताऊँ आपको कि जैसे स्टार्ट में ये कहा था आपने कि जो टैंकर माफिया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट देना चाहती हूँ कि देखें तो आपने ये कहा कि डीएचए के अंदर जो है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पानी नहीं आता तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो टैंकर्स खरीदने की सख्त रखते हैं तो इस पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये हकीकत बात है और ये बहुत बड़ी एक डिबेट है कि टैंकर माफिया यहाँ पर अवेलेबल है अगर आप जाकर देखें ना आई एम सॉरी टू से लेकिन मैं ये बात हमेशा कहती हूँ आप जाकर देखें वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जो लाइनें हैं क्यों नहीं डलती वो क्यों आखिर इस तरह के जो इलाके होते हैं उसमें नहीं डल रही क्योंकि आपके अगर मुश्तरका किसी के साथ जो है वो कुछ मुआहदे होते हैं कि आपके टैंकर माफिया के साथ हाथ मिलाया हुआ है आपने कि आपको वहाँ से पैसे मिल रहे होते तो आप लाजमी सी बात है क्यों आप लाइन से एक बात कहनी है इसमें मैं राज की बात बताने वाला था कि अगर आप गुलशन हदीद की तरफ जा रहे हैं ना फ्रॉम कराची तो अगर आप गुलशन हदीद से पहले या उसको थोड़ा क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो देयर इज अ ह्यूज माफिया देयर ये मैंने नहीं बोला मैंने सुना है शायद आई डोंट नो कि मे बी और मे बी नॉट मैंने सुना है ये बात ये बात है ये आप सही कह रहे हैं आप सरजानी की तरफ जाकर देख लें मैं क्यों जाऊं मैं नहीं जा रहा पेट्रोल नहीं कर रहा बहुत दूर अच्छा माफिया की बात कर रहे हैं तो आप देखिए नॉर्मल ठेला भी जिसने लगाया होगा उसको भी जो है वो भत्ता देना पड़ता है तो ओवरऑल अगर आप देखें कि ये बहुत नॉर्मल चीजें चल रही है लेट्स सपोज ठेले के साथ ठेला लगा हुआ है और बहुत नॉर्मल भत्ता किसको दे रहे हैं उर्शिया जाहिर सी बात है कि इनको दे रहे हैं ये बातें बताने की नहीं होती हमें पता ये बातें बताई नहीं जाती सबको पता है इट्स नॉर्मल कि सबको पता है कि जब आपने ठेला लगाया है तो वो आपको भत्ता देना ही हकीकत बात है तो आपने शॉप भी अगर आप कितना भत्ता दे रही हैं मेरी कोई शॉप नहीं है और ना ही मेरा कोई ठेला है अच्छा अच्छा ये तो वही बात है कि अगर आप ऐसा होते हैं ना कि सही जगह पर भी अगर आपने पार्किंग कर ली है लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर जो है वो पार्किंग की फीस भी देनी है और एक्स्ट्रा भी आप पर जो है वो चार्जेस लग जाएंगे तो इसी के साथ जो है वो जैसे टैंकर माफिया मैं क्या बोलूँ वरना मुझ पे केस लग जाएगा सना मैं नाम नहीं लूँगा किसी का बिकॉज मुझे घर भी जाना है कुछ इदारे हैं जो पार्किंग अलाउ करते हैं ना एक टिकट कॉस्ट एक वो प्राइस आपको अलाउ करते हैं वो मेरे पास एक लेटर आ गया ऐसी अब वो डिलीट हो गया मुझे नहीं पता मेरे दोस्त के पास आया मुझे याद आया मेरे दोस्त के पास आया तो उसने मुझे फोन पे दिखाया था पर डिलीट कर दिया उस लेटर पे क्या था कि जो गाड़ी की पार्किंग है दैट इज 10 रुपीज और जो बाइक की पार्किंग है दैट इज 5 रुपीज ऑफिशियली
हैविंग सेड दैट, जो लोग चार्ज करते हैं वो 20 रुपए बाइक पे करते हैं एंड 30, 50, 100 अप टू देम गाड़ी की करते हैं। और उनकी रही हूँ इतने साल, मैं लुटती रही हूँ इतने साल, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है लुटने के लिए। और उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि अगर हम इंटीरियर सिंध वगैरह में जाते हैं किसी ट्रेवल के हवाले से या काम के हवाले से, वहाँ वॉशरूम पे होते हैं 10, 15, 20, 25, 30, ये भी गलत है ना? इट्स अ बैड जोक, देयर इज अ बैड जोक, वो कहते हैं कि स्मॉल वॉशरूम 5 रुपीज, बिग वॉशरूम 10 रुपीज। हाउ डू यू नो? जो बाहर बैठा हुआ कैसे पता चलता है? वेल, जोक तो बहुत बुरा है और इसी तरह के जोक्स और तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद खूबसूरत सिंगर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों पे मैं खोलूं पलकें ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से गिरा हूँ आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। वाह 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 वाह, प्लीज जोरदार तालियां वजील हसन के लिए। कैसे हैं आप वजील हसन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं? फारिग, मतलब आप कह रहे हैं कि सिंगर फारिग होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंगर तो बहुत अच्छा काम है और बड़ा पाएगा काम है। पाएगा काम? कितने पाएगा? पता नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आप वैसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं कोई काम? वैसे अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए, रिजल्ट आने का इंतजार है। अच्छा। और बाकी क्रिकेट में बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स का खेलते हैं। तो कुछ कई जोन से खेला है? कराची से? जोन से नहीं, अपनी प्राइवेट टीम है लेकिन बहुत अच्छा सपोर्टिव टीम है। तो आप क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर है? जी फास्ट बॉलर। मैच तो देख रहे होंगे? मैच देखते हैं बिल्कुल। तो जरा आप बताएं आसिफ अली के जो 4 छक्के थे, जी जी, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छे टाइम पे मारे। अगर वो ना लगते, बिल्कुल होप लूज कर चुकी थी। कौन? जब आसिफ अली ने जब वो 4 छक्के मारे तब तक मैं अपना जो होप था ना वो लूज कर चुकी थी, मुझे लग नहीं रहा था। बट एंड में वो जो कहता है ना उसको कि लास्ट ओवर बस रहने दे, और जब उसने मारा था 6, अब मुझे इतना मुझे आपके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे। जी अच्छा, डोंट यू लाइक टॉकिंग मी? नहीं नहीं, आई लव टॉकिंग। इज देयर समथिंग रॉन्ग? नो नो नो, नॉट एट ऑल। अच्छा आप सिंगिंग कब से कर रहे हैं? 2-3 साल ही हुए हैं, बस वैसे ही शौक चढ़ गया था। ऑलराइट, फैमिली सपोर्ट करती है आपको? फैमिली बिल्कुल सपोर्ट करती है लेकिन वो सिंगिंग से ज्यादा क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। अच्छा नाइस। अच्छा आपका आपका वो रिजल्ट डिले हो गया ना? रिजल्ट डिले हो गया, जी जी, वो डिले हो के अभी 2-3 दिन के बाद तक आ जाएगा। कुछ दिन और हैं, आप कर ले इंशाल्लाह, दुआएं करेंगे। अच्छा क्रिकेट और सिंगिंग में से अगर मुंतखब करना हो तो किसको मुंतखब? सिंगिंग। अरे वाह क्या बात, क्या ही बात। मैंने किस नोटिस किया? जी जी आपके सिंगिंग का उसको वो जो फैन बेस है वो भी बहुत ज्यादा है, मैंने देखा लोग सिंगर्स को ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक कॉन्सर्ट हुआ था आदि का, मतलब लोग गिर रहे थे। तो एक जो उनका सिंगर का जो फैन बेस है वो डिफरेंट ही है, सिंगर्स को ज्यादा फेम मिलता है। एग्जैक्टली, सेलिब्रिटीज को वो उतना पसंद नहीं करते लोग जितना सिंगर्स को बहुत ज्यादा। नहीं तो इतना बुरा गाना कि इतना बुरा गाया कि लोग गिर गए। आई टेल यू व्हाई, नहीं दे वर क्रेजी आफ्टर आतिफ असलम। हां ट्रू, आई एम अ बिग फैन ऑफ। गिर रहे थे लिटरली, एक दूसरे को पुश कर रहे थे और
आतरसल के पास जाने के लिए इसलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि इंसान कैसा भी है वो गाने से उसको कहीं ना कहीं तो लगाव होता ही है. तो ऑब्वियसली सिंगर्स की फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, उनका फेम भी ज्यादा होता है. आतिफ असलम हिमसेल्फ सेड कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, वहाँ लक नहीं चली तो इधर सिंगिंग में आ गए और अल्लाह ने इज्जत दी. अल्लाह ने इज्जत शायद मेरे ख्याल से क्रिकेट में भी देनी थी उनको और सिंगिंग में भी देनी थी. नो डाउट हकीकत बात है, लेकिन क्रिकेटर में जब भी नाम आता है तो बुम बुम शाहिद आफरीदी मेरे दिमाग में आता है. उनसे ज्यादा और कोई फेमस मुझे लगता ही नहीं है. मतलब इंटरनेशनली जो है आप सिर्फ बुम बुम का ही नाम ले लोग खुद ही कहेंगे शाहिद आफरीदी. बिल्कुल. सो बड़ी बात है, दोनों ही जो है वो फील्ड मतलब अपने अपने उसमें माहिर है. आप बताएं कि क्या मतलब आपकी मसरूफियात क्या है, क्या देख रहे हैं अपने आप को, कि आप फ्यूचर में कहां देख रहे हैं अपने आप को? फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छा ही देख रहे हैं. हर बंदा अच्छा ही सोचता है अपने लिए. Exactly. उसके टुवर्ड्स कोई मेहनत कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या प्रैक्टिस करते हैं? नहीं नहीं, प्रैक्टिस तो कुछ नहीं. बेसिकली मेरे फादर वो क्लासिकल सिंगर हैं. माशाल्लाह जी, वो बिल्कुल. तो उनके साथ बैठ बैठ के शौक हो गया. रियाज करते हैं आप? मैं तो नहीं करता, लेकिन वाली साहब करते हैं. आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आपके अब्बू करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनसे सीखें. बिल्कुल. आपका फेवरेट जॉनर क्या है? मतलब आप क्लासिकल प्रेफर करते हैं, पॉप प्रेफर करते हैं, क्या? मैं वैसे जब अबू के साथ होता हूँ तो क्लासिकली, लेकिन वैसे अभी के यंग जनरेशन के गाने. अरे अच्छा, लेकिन आप क्लासिकल गाना गाते हैं? गाते हैं बिल्कुल. गाते हैं. आप सुनाएंगे हमें बाद में इंशाल्लाह? अच्छा. मतलब वो सुर ताल, क्योंकि बहुत मुश्किल है सुर ताल पकड़ना. जी. तो वो पकड़ लेते हैं आप? तो थोड़ा बॉल पकड़ सकते हैं तो सुरताल भी पकड़ लेंगे. नहीं, सुरताल सीरियसली मैं बताऊं आपको कि जो सुरताल होता है ना उसमें कुछ कुछ लोगों की, हालांकि कहते हैं कि गा गा के बंदा गवैया बन जाता है, लेकिन क्लासिकल जो सिंगिंग होती है उसे आप जितना भी सीखें वो जिसके पास एक वोकल होता है, जिसके पास आवाज होती है ना, और वो जिस पिच पे जाकर आपने गाना होता है, बहुत मुश्किल. बट बिसाइड्स दैट पॉप जो है म्यूजिक उसके साथ भी जो है जस्टिस करना बहुत मुश्किल बात है. आई बिलीव सबसे मुश्किल जो जॉनर है वो रॉक है, वो जो हैवी मेटल और वो शाउट और वो पीक पे लेके जाना. बिल्कुल, बिल्कुल. मेरा ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, आप बताएं मुझे. बिल्कुल ऐसे ही है. रॉक भी बहुत मुश्किल है. रॉक मुश्किल है. और स्टोन कोल्ड कैसा है? वो थोड़ा इजी होगा उससे. और शॉन माइकल्स? मुझे अभी बहुत कम वक्त हुआ है इसमें आए हुए. मैं रेसलर्स का पूछ रहा हूं यार. अजी रेसलर मजाक करते रहते हैं, हमारा कॉमेडी शो है, डोंट टेक इट सीरियसली. रैप अदर रैप का शौक नहीं? रैप का बिल्कुल शौक नहीं. नहीं, मुझे लगता है रैप जो है वो काफी डिफिकल्ट भी है. आई मीन उसको सीखना, उसके ऊपर आई मीन पूरा माइंड सेट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट. ऐसे ही है ना, आप स्लो पसंद करते हैं, क्योंकि आपने स्लो सॉन्ग्स चूज किया. ये बिल्कुल इसी तरह के. तो मतलब एजुकेशन भी आपके साथ चल रही है? एजुकेशन चल रही है, बस अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. अभी कितना बेनिफिट हुआ जब कोविड में प्रमोट कर लिया था? 11 हमारी बिल्कुल फर्स्ट ईयर हमें प्रमोट किया उन्होंने पिछले साल. वजी पिछले साल कोविड था, ठीक है, तो कैसा फील हुआ बगैर एग्जाम दिए आप पास हो गए? बिल्कुल, इसमें हमें बड़ा बेनिफिट हुआ. और लेकिन ये है कि अच्छे पढ़ने वालों के साथ बुरा हुआ, क्योंकि उनको भी सेम परसेंटेज दे रहे थे, तो अच्छे पढ़ने वाले थे तो उनका तो रिजल्ट अच्छा आता. तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छे पढ़ने वाले नहीं है? मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ने वाले. आप अच्छे पढ़ने वाले? जी जी. अच्छा, वाह भाई क्या बात है. वरना मैंने ज्यादातर ये भी देखा है कि जिनको सिंगिंग में या क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है वो इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं होते. बस सो सो है. मैट्रिक में क्या ग्रेड आया था? मैट्रिक में बी. अरे वाह. नहीं तो ये कैसे, अम्मा बाबा ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ए उसका बेटा देखा है, ए प्लस आया उसका. लेकिन बस हमारे यूजुअली लड़कियां आती हैं ए प्लस. फ्रेंड्स पेरेंट्स हैं हमारे साथ. अच्छा, दोस्ती की तरह. ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने बच्चों को प्रमोट करें एज अ फ्रेंड्स, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स और पैशन. मैं तो कहता हूँ कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो यू कैन अचीव. और मुझे लगता है आप दोनों साथ में बन जाएंगे इंशाल्लाह. जस्ट इन केस अगर नहीं भी कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप करते रहे अपना काम. एक टाइम में उनके पास कोई चारा नहीं होता, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है जब आप उस मकाम तक पहुंच जाते हैं. हकीकत बात है. लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी लगी, बताऊँ क्या लगी? एक तो माशाल्लाह से आप बहुत डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट है. और दूसरा एक होता है जब कोई हमारे सामने इतने सारे लोग आते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम भी आते हैं सिंगिंग करने के लिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी नज़र आती है. लेकिन आप अपनी आवाज़ के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत है. तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी. इंशाल्लाह आपको जो है वो मंजिलों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता. एक सवाल करना है मुझे, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए टैलेंट होना चाहिए
या पर्ची भी काम कर सकती है। नाइस, ये नहीं, कोई मुझे, तीसरा मुझे सवाल है। मैं राय जानना चाहती हूँ, ये like क्या it. सोचते हैं इस बारे में? पर्ची पे मैं नहीं बिल्कुल क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत से ही जहाँ भी पहुँचता है अल्लाह उसको रुतबा देता है, वो अपनी मेहनत से, और ये सब काम मेरे अल्लाह की तरफ से होते हैं, जैसा वो चाहे वैसा ही होता है। मैंने सुनने में आया है कि आपने अपनी चाचा की पर्ची लगाई। अच्छा, नहीं, टैलेंट पे बिलीव करते हैं, वेरी गुड, ताली होनी चाहिए इस बात पे। हमें ऐसी जनरेशन और ऐसी यूथ की जरूरत है जो ऐसी सोच रखती है। जी उषा, अच्छा मेरा एक सवाल है कि आपकी फैमिली में कौन ज़्यादा फ्रेंडली है? आई मीन फादर हैं, मदर हैं या सिस्टर्स हैं, जो कि आप उनको अपनी हर चीज़ बैठे कभी गुनगुना रहे होते हैं तो उनको अपने गीत सुनाते हैं, कुछ ऐसा है? मामा और बाबा दोनों मामा बाबा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको आज ऑफर आती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन की, और यहाँ ऑफर आती है आपको कॉन्सर्ट की, आपके इंस्पिरेशन आते हैं में उनके साथ कॉन्सर्ट की, आपको ऑफर आती है, What are you going to choose? मैं सिंगिंग का कंपटीशन वो करूंगा आतिफ असलम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैच तो बाद में होता रहेगा, वो तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो रहे हो। अच्छा, तो वहाँ और भी मेरी खिलाफ मेरी तरफ से दूसरे बंदे होंगे, मैं आतिफ के साथ चल जाऊंगा। कह रहे वहाँ मुकाबला सख्त होगा, आतिफ के साथ। वाह वाह वाह, लेकिन क्या ही बात है, इनका ये है कि वहाँ मुकाबला बहुत सख्त होगा, पता नहीं मौका मिले ना मिले, इससे अच्छा है बंदा आतिफ असलम के साथ जो है वो कॉन्सर्ट करे और जीत जाए। भाई जबरदस्त, मुझे लगा यूनस ये पूछने वाले कि अगर मौका मिले क्रिकेट टीम में जाने का और PSL का गाना गाने का। अब क्रिकेट टीम में जाएगा, PSL के गाने अच्छे नहीं गाएगा। PSL का गाना मत गाइएगा। लेकिन चलो गाने दो। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी है अभी 19 10 years from now, 10 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? अच्छा है कि मैं अपने आप को सिंगिंग कंपटीशन में खेलूं और अच्छा दिखूं। सिंगिंग कंपटीशन में खेलूं वहां जाके भी क्रिकेट खेलोगे? मतलब वही अंदाज से। अच्छा, अंदाज। अरे क्या ही बात है, चले बातें तो आपसे बहुत हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं आप, सीरियसली। अब बताएं कि आप हमें क्या सुनाने वाले हैं, और इसी के साथ जो है वो हम ब्रेक पर भी निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच कि आप आए, इतनी अच्छी बातें आपने की, हमारी सबकी जो है बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, तो क्या सुनाने वाले हैं आप? On a serious note, thank you so much. ये प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि इनको फॉलो करें, इनको सपोर्ट करें, और आवाम ही कर सकती है। हमारे हाथ में जो है, हम अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बाकी सपोर्ट करना प्रमोट करना आपका काम है। आपके गाने की तरफ चलते हैं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहें करम, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वेलकम वेलकम, कैसी हैं आप? बेटा ठीक है बेटा जी, आप कैसे? आप घबराई भी क्यों शो में? मैं घबराई भी नहीं हूँ, मैं आपने घबराना नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। ओह, गेट वेल सून, हम दुआ करेंगे। आपको दवा की बजाय दुआ की जरूरत है? नहीं, मुझे दवा की जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको न्यूज ब्रेक करता हूँ। चलूँ पाकिस्तान में 29 अक्टूबर को एक स्पीशी कैप्चर की गई है। सुशी होता है उसका भाई है, स्पीशी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशी है, सॉफिश। उसकी आगे ब्रांचेस हैं, जिसमें एक जो मछली है जिसका नाम है लॉन्ग कॉम सॉफिश, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। इट्स बिन मतलब के ये इसकी बड़ी डिमांड थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम इसकी साइटिंग भी बहुत कम हुई है। सो यूनुस, लास्ट टाइम ये कब देखी गई? निदा, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स इसकी ये तीसरी साइटिंग है।
इतनी ये इंडेंजर हो चुकी है। 2013 में एक पकड़ी गई थी, मतलब ये इतनी है क्योंकि इसकी डिमांड इतनी थी कि बिकॉज ये बहुत लोग शौक से खाते थे और उसकी जो फिन है, जिसका फिन है वो एक्सपोर्ट होता था हांगकांग पे। बट इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम क्यों दिया गया, एनी स्पेसिफिक रीजन? फॉर द पास्ट 30 ईयर्स ये फिश बड़ी डिमांड में थी बिकॉज ये श्रीलंका एक्सपोर्ट की जाती थी हमारे एरिया से जहाँ से हम लोग कैप्चर करते थे। तो और दूसरा ये कि इसके जो फिन्स हैं अलॉन्ग विद अदर शार्क्स ये हांगकांग एज आई टोल्ड यू एक्सपोर्ट होते थे। तो इसकी डिमांड इतनी थी इसका मीट की वजह से, इसकी फिन की वजह से, कि विद ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ जो है इसकी सप्लाई कम होती रही। एंड इट्स ऑन दिस पॉइंट नाउ कि अब ये अकरेंस इसकी मैं बता रहा हूँ पिछले 10 साल में तीसरी बार है। अच्छा यूनिस, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इसके क्या लॉज है, आई मीन क्या कानून है? ये मछली ने लॉज बनाया, आप ये कह रही हैं रिगार्डिंग कैप्चर? क्या कानून है जो कि कैप्चर के अकॉर्डिंगली आप बात करें तो टू सेफ गार्ड के ये स्पीशी खत्म ना हो, बोथ बलूचिस्तान एंड सिंध गवर्नमेंट हैज बैंड इट। उसकी कैप्चर पे बैन है, उसकी मार्किंग पे बैन है, उसके एक्सपोर्ट पे बैन है। तो ये भी है कि अब ये पकड़ी गई, आई डोंट नो कि इसका क्या आगे होगा, बट इट्स वेरी रीसेंट, तो लेट्स सी कि इसके एक्शंस क्या है। अच्छा, इसके फिन्स इतने इस तरीके के वाजिया है ना डिटेल्स में कि उसको पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ये गवादर का जो पोर्ट है हार्बर, वहाँ पे पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे मच्छरों की बड़ी तादाद है, वहाँ पे कारोबार इनका बहुत चलता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है। आपने पिक्चर में देखा होगा इसके फिन जो निकले हुए हैं चोंच की तरह, तो वो नेट में बहुत ईजिली ग्रैब हो जाते हैं, इसलिए इसको ये बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। लॉजिकल चीज़ समझ आई, सौ क्या होता है, जैसे दरख्त काटते हैं सौ जो उसे हम करते हैं ना, तो इसके फिन्स भी सौ है बिकॉज़ इसको सौ फिश भी कहते हैं। ये नेट्स क्यों नहीं काट पा रहे? नेट्स नहीं काट पा रहे जो फिशिंग नेट्स हैं जिसमें फंस रही है, वो काट क्यों नहीं पा रहे? कितना काटेंगी, बहुत वसी होता है नेट, आपने देखे कहीं से कटेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो ट्रैप हो ही जाती है ना, क्योंकि फिशर्स का खुद कहना है कि ये बहुत आसान शिकार है, तो ये सबसे पहले हमारे जाल में फंस जाती है जस्ट बिकॉज वो ना कितना लंबा कहीं भी फंस गए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हर फिश का या किसी भी जो है वो, चाहे वो समंदरी जानवर हो या बैरूनी जानवर सोशल एनिमल के बारे में बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, उनका कोई बैकग्राउंड होता है ना, तो क्या ये पाकिस्तान में पाई जाती है फिश, या मुझे जितना लगता है आपने कहा हांगकांग में, तो चाइना के साइड पर भी क्या इन फिश का कभी देखा गया है? सॉल्ट वाटर में ज्यादा होती है ये शार्क्स वगैरह, बिकॉज ये मीठे पानी में नहीं आते, लेकिन ऐसा भी है कि लोग मीठे, आई हैव सीन शार्क्स, ऐसी भी न्यूज आई कि मीठे पानी में आ गई है। वी डोंट नो, नेचर इज चेंजिंग, जितना हम नेचर के साथ जुल्म कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो नेचर भी शायद वापसी बदला लेने पे आ रही है। बीचेस पे, कैलिफोर्निया के बीचेस पे कभी शार्क्स नहीं आती थी, बट विद द पास्ट लाइक 10-20 ईयर्स में शार्क्स आके अटैक कर रही हैं, वो जो सर्फ कर रहे होते हैं बाहर। तो इट्स, यू नो, वी कांट जज नेचर। और समुंदर 70%, फॉर एग्जाम्पल 100% वाटर है, अभी भी अराउंड 70-80% जो वाटर है ह्यूमन ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वी डोंट नो कि अंदर कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। एंड दिस इज कि कराची भी डूब जाएगा 2025 तक, सो इज इट ट्रू? मैं पूछ लेता हूँ। वो तो ये भी कहते हैं कि इंसान वैम्पायर बन जाएगा, तो दे ऑल आर मिथ्स। नहीं, बट कराची क्योंकि ऑलरेडी अबव सी लेवल है, क्योंकि वाटर जो है सी ऊपर है, हमारा कराची नीचे है, और पानी आता है तो फिर यूं आता है, और बारिश भी आता है तो पानी आता है। जब तो, कम पानी बारिश होता है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होता है वो लॉजिकल है, कम आएगा तो कम ही आएगा, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। हां, ये प्यार से बोला, ज्यादा पानी आता है, क्यूट। एनीवेज, जी आप पूछिए। मैं ये पूछना चाहती थी, ये आई मीन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये फिशेस की आप जो बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली बिकॉज शार्क की एक है ना, बिकॉज मीट, आई डोंट नो कि हम तो नहीं खाते हैं, शायद शार्क से लोग खाते भी होंगे, आई डोंट ईट शार्क्स, तो वो जो मीट है उसका अपना टेस्ट होता है। okay. हर जानवर का अपना टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल डियर, खरगोश, बहुत सारे ऐसे लोग शिकार करते हैं। हाँ, रैबिट जो हम तो चिकन, बीफ और मटन के आगे हम बड़े नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू डियर मीट, व्हेन इट कम्स टू रैबिट मीट, तो वो बड़ा फास्ट होता है। ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं जिसका शिकार करते हैं, और दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो डिपेंड्स कि कौन किस इंटेंशन से हंट कर रहा है उस पर्टिकुलर जानवर को। इट कैन बी अ फिश, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ मैमल, एनीथिंग। आई वॉन्ट टू से समथिंग कि एक तो कुछ एनिमल्स की हंटिंग इज इलीगल, लेकिन अगर फिर भी आप कर रहे हैं, जैसे कि आजकल हम गंदगी पोल्यूशन बहुत फैलाते हैं, और मैंने एक सर्वे देखा था, उसमें बहुत सारे जो सी के एनिमल्स थे वो इस वजह से मर रहे थे क्योंकि उनकी अपनी टांगें टैंगल हो रही थी मास्क के उसमें। तो आप अपना जब भी मास्क डिस्पोज करें, मेक श्योर उसके आप साइड्स कट कर दें, या फिर उसको इस तरीके से डिस्पोज करें, और पानी के इर्द गिर्द प्लीज कोई कचरा ना फेंके, क्योंकि उससे वो प्लास्टिक, अनम प्लास्टिक, एग्जैक्टली, हैज बीन किलिंग एनिमल्स, सी एनिमल्स, प्लास्टिक ने तो
अजाब की हुई लाइफ उनकी। अच्छा आजकल सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है कि लोग जो है अफसोस के साथ लोगों को कचरा फेंकने के लिए अगर कोई जगह ना मिले तो वो पानी में फेंक देते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा होता है हमारी जो आप समंदर जगहों पर जाए ना तो वहां पर आप ज्यादातर देखें तो कचरा ही कचरा आपको दिख रहा होगा। नहीं एक और चीज है, I've seen people अपनी गाड़ी से कुछ खाया पिया खिड़की नीचे की और कचरा फेंक दिया, आप एकदम उठा के अंदर फेंक दो और भाग जाओ, शायद उसको अगली बार एहसास होगा। इंसान अशरफुल मखलूकात है लेकिन हमें कोई भी मैनर्स नहीं है। अच्छा जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, शॉपर के अंदर जमा करते रहते हैं, फिर आप अपनी गाड़ी में भी फैलाएं कचरा, क्योंकि जब आपको शौक है कि आपको अपनी दुनिया में वर्ल्ड में आपको फैलाना है कचरा तो फैलाएं आप लोग अपने मुल्क में। नहीं कीप योर सिटी नीट एंड ग्रीन, बिल्कुल मत फैलाएं। नहीं नहीं मेरे कहने का ये मकसद था कि लाइक आप अपनी गाड़ी को इतना सेफ करके रखते हैं कि आप अपने शॉपर में कर रहे होते हैं, आप बाहर फेंकते हो तो पूरा शॉपर आप बाहर फेंक देते। तो जब आप लोगों को गंदगी पसंद है तो आप अपनी गाड़ी को भी गंदा करें और पूरे मुल्क को भी गंदा करें, को भी गंदा करें। हाँ। अपने मुंह को भी गंदा करें। अच्छा। आप प्लीज पाकिस्तान को गंदा ना करें, बाकी जिसको गंदा करना है करें। अच्छा मुझे वो लोग इतने अजीब लगते हैं जो अपने घर को तो साफ कर लेते हैं लेकिन घर से बाहर निकलते ही साइड में कचरा फेंक देते हैं। मतलब आप ये नहीं देखते कि अगर आपकी कोई सोसाइटी है या कहीं भी आपका घर है आपके ही घर के बराबर में आप खुद ही एक कचरे का अंबार बना रहे हैं। और रिसेंटली एक लॉ भी पास हो रहा था कि जो कचरा करेगा और अगर आप उसको बताएंगे इसने कचरा किया है तो उसको फाइन भी होगा। अच्छा यूनस पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आई मीन हर चीज को समझ बूझ कर हर चीज चलते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता कि जब कचरे की बात आती है तो वो ऐसे फेंक रहे होते हैं कि जैसे मुझे लगता है कि पूरा तालाब गंदा जो है ना नहीं है, कुछ मछलियां हैं जो उसे गंदा करती हैं, बिकॉज बहुत मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। ये एक इंसानी साइकी है कि अब पता है क्या हमारे मुल्क में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कचरे का ऐसा निज़ाम नहीं कि साफ सफाई की जाए, कूड़ा करकट पड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हम इस पर और फेंक देते हैं मतलब। और अगर आप देखें कहीं कुछ जगह साफ है वहाँ का बहुत अच्छे से डेकोरम मेंटेन किया जाता है, वहाँ से कोई गुजरते हुए सोचते कि तो जगह साफ है मैं क्यों फेंकूँ यहाँ पे। पॉश एरियाज की बात करें ना, तो मैं यही कह रही हूँ कि अंदरूनी शहर जाए कराची में मैंने दोनों यूं चलना पड़ेगा आपको पाँव उठा के, कचरा होता है। तो ट्राई टू कीप योर सिटी नीट एंड क्लीन, एंड कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम, आप पहले अपने घर से शुरू करें और फिर आप बाहर जहाँ पे भी देखते हैं कि कचरा नहीं है मत फेंके, अगर है भी तो भी मत फेंके ना, इतनी तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड पे, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने कचरा नहीं फेंका होता वो रास्ते से कचरा उठा लेते हैं तो पत्थर पड़ा होता है वो हटा देते हैं, मतलब दे आर गुड पीपल टू, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लेकिन मैं उसके पहले अच्छा यूनुस मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कचरा फेंक भी रहा है तो एटलीस्ट उसको मना करें ना कि आप खुद उसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डालें। आप मना करके तो देखें आपको ऐसे जवाब मिलेंगे ना। वही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि आप अपनी गाड़ी को इतना साफ रखते हैं, घर को इतना साफ रखते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो कचरा आपने बिल्कुल गली के कॉर्नर पे पड़े लिखे जाहिल हैं, पड़े लिखे जाहिल नहीं चाहते। पता है मैं आपको एक बात बताऊं, सीवीयू देखा होगा आपने, सीवीयू के अंदर एक बहुत अच्छा जो है वो कदम उठाया था, एक फिश रखी थी लाइक डस्टबिन जैसी ना, उन्होंने फिश रखी थी कि आप कचरा अगर कुछ है तो आप उस फिश के अंदर डाल दें, और ये अच्छी थी बहुत अच्छा इन्होंने ये। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम ने क्या किया, अंदर घुस के सेल्फियां बनाई लेकिन उन्होंने जो कचरा था ना वही नहीं डाला, उन्होंने समंदर में कचरा डाला और वो फिश बिल्कुल साफ, जो डस्टबिन था वो बिल्कुल साफ था और वो लोग सेल्फी ले रहे थे। अच्छा सना मुझे ऐसा लगता है जैसे अच्छा सना मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें खुद एजुकेट होना है, फिर हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने इर्द गिर्द जो है वो कचरा मत फैलाएं। इट्स खुदारा कि आप लोग अपनी फैमिली को भी इसी तरीके से आई मीन बीमारियों से आप बच सकते हैं। एनीवेज ये सब बताने का मकसद ये है कि जो भी कचरा करते हैं क्यामत के दिन आपके ऊपर कचरा आएगा, बिकॉज आप अगर किसी और का नुकसान करेंगे और कोई कहे ना कि यार कचरे से नुकसान नहीं हो रहा, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही हैं। This will come around. What goes around comes around. यूनस मच्छर कितने हो रहे हैं, डेंगू की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये जब आप कचरा बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो वहाँ पर मच्छर ही आते हैं। So please इस चीज के ऊपर ख्याल करें। तो ये कचरा जो जला देते हैं, is it good? ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे आपका जो है वो गैसेस निकलती है, हाँ गैसेस निकलती है, आपकी आबोहवा खराब हो रही है इससे। क्या किया जाए निधन, कचरा ही नहीं फैलाया जाए, कचरे को देखिए मैं बताती हूँ अच्छी चीज ये कि कचरे को रिसाइकल किया जाता है, उसकी जो प्रॉपर जगह है वहाँ जाके कचरा फेंकें, जिनका काम है उनको करने दें। और इसी बात के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर मौजूद है, उनका गाना सुनेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। स्टे विद अस।
हो मेरे मन ये बता दे तू किस होर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा मेरे मन ये बता दे तू किस होर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ आप लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया इसलिए हमें उनको वापस बुलाना पड़ा आपकी जोरदार तालियों में शाहिद अजीज कैसे हैं शाहिद अजीज साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल फिट है तो आवाज निकाले ना गाना तो अच्छा गाया आवाज क्या हो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ पहली बात तो ये बताएं आपने अपनी वाइफ को गाना डेडिकेट किया था उनका क्या रिएक्शन था अच्छा रिएक्शन आया था अच्छा रिएक्शन आया था उन्होंने क्या खुश हुई आपको शाबाशी दी तकरीबन सब अच्छा ही कह रहे थे कि सही गाया आपने और आगे भी कोशिश करते रहना क्या पता कोई छक्का लग जाए अच्छी बात है Very nice. कोई भी आसेवली बन सकता है बता दूं लेकिन अच्छी बात है वैसे आपका आपका टैलेंट आपकी सिंगिंग बहुत सारे लोगों ने पसंद की माशाल्लाह से और उन लोगों ने बोला फीडबैक दिया हमें कि शाहिद अजीज साहब को वापस बुलाएं वी वांट टू लिसन हिम कैसा फील कर रहे हैं जिन लोगों ने पसंद किया पहले तो मैं इनको कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे पसंद करा और कोशिश करता रहूँगा मैं आगे भी गाने की क्योंकि मेरा शौक है अब से नहीं बहुत पहले से अब जब फर्स्ट टाइम आया था बहुत ज़्यादा घबराहट थी कभी ऑडिशन दिया नहीं तो जाहिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूँ लेकिन अब मैं बात कर सकता हूँ अच्छी से अच्छी अच्छा शायद मुझे एक बात बताएं आपके जो फ्रेंड्स हैं जब उन्होंने ये प्रोग्राम देखा जो आप लास्ट परफॉर्म कर गए थे तो उनका क्या फीडबैक था उनका यही कहना था कि हम तो तुम्हें बोलते थे एक दफ़ा कोशिश करो तुमने कर ही नहीं मगर अच्छा चांस तो प्ले टीवी ने चांस दिया तो हसद वाली बात तो नहीं है कि हसद और जलन सपोर्ट करते हैं आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस अच्छा ऐसा होता है ना कि अगर आपके ग्रुप में एक भी सिंगर हो तो क्या होता है कि अगर जो भी पार्टी है कुछ भी है तो आप उसी सिंगर को पकड़ लेते हैं तो आपके साथ ऐसा है क्या नहीं ऐसा कुछ भी अब तो आप मशहूर हो गए तो अब तो डेफिनेटली ऐसा होगा गैदरिंग में अपनी दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हुए चाय पी रहे हैं शायद भाई गाना हो जाए ऐसा होता है हाँ अब गा लेता हूँ पहले नहीं गा पाता था पहले तो आपने ये छुपा के रखा था ना मेरा मगर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्रमोट करें जब आपने नेशनल टीवी पे गा लिया है तो आप अपने आप को प्रमोट करें ताकि अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आपको ज़रूर जगह मिलेगी एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो मैं जो भी सिंगर्स हमारे सेट पे दूसरी दफ़ा आते हैं उनमें एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है और कैमरा फेसिंग कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं जो लोग पहली दफ़ा आते हैं शायद भाई मैं ये कहना चाहूँगी वो थोड़ा सा नर्वस होते हैं कैमरा देख के ऐसी बात है फर्स्ट टाइम आना और सेकंड टाइम आने में फ़र्क आ जाता है और माशाल्लाह से अच्छी बात ये भी है कि ट्रेनिंग हो रही है एक तरह से We are preparing our future ke stars. Exactly. That's really good. और दूसरा हम ये ना उस तरह के होस्ट भी नहीं है ना कि डर कर लोग दोबारा ना आए नहीं कोशिश तो बहुत की आपने लेकिन ऐसा हुआ नहीं मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की मैं इतनी स्वीट होस्ट हूँ इन सब लोगों में से सबसे ज्यादा स्वीट फिर मैं तो आप लोगों के साथ ही होता हूँ मैं सबको जानता हूँ माशाल्लाह मुझे कोई वो नहीं है किसी से ठीक है बात है आपसे आप भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट बस अगर आप थोड़े आर्डर कम कर देना वैसे शायद भाई हमारे जो है स्टाफ के मेंबर हैं और माशाल्लाह से प्ले एंटरटेनमेंट के हमारे स्टूडियो के एंड बहुत हार्ड वर्किंग है प्लस ही इज वेरी टैलेंटेड
मे अल्लाह ब्लेस हिम विद ऑल द सक्सेस। हमारी तो यही दुआ है, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप ऐसी फीडबैक देते रहे, हम बार बार बुलाएंगे उनको और बार बार आपको एंटरटेन करेंगे। हकीकत बात है। अच्छा शायद सर मुझे आप ये बताएं कि ऐसा होता है समटाइम कि जब बेगम जो है वो नाराज़ हो जाए आपसे, तो बेगम को खुश करने के लिए कोई गाना कभी गुनगुनाया हो या कोई किसी बात पर वो चिढ़ गई हो तो आपने अचानक से कोई गाने की लाइन गाई हो, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, अब तो बच्चे माशाल्लाह बच्चों के लिए इतना गाना पड़ जाता बर्थडे पे। अच्छा गाते हैं आप बच्चों के लिए? जी हाँ, बच्चे। तो जैसे आप में ये कला है कि आप में इतना अच्छा माशाल्लाह से सुर है, तो अगर आपकी बेटी हुई या आपका बेटा, तो उसमें भी अगर ये जद्दोजहद हो कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ तो आपकी तरफ से सपोर्ट होगा? नहीं, बच्चे जब तक नहीं मतलब अगर करना चाहे तो, लेकिन एक लिमिट में रहेगी क्योंकि हमारा माशरा ऐसा क्या करे। तो आपकी नजर में क्या लिमिट्स होनी चाहिए? मतलब अपनी हद में रहे बस। मतलब स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जी हाँ, फिल्म जो कोई अपना दूसरा प्रोफेशन भी रखे और साथ में सिंगिंग। अब ये कहना चाह रहे हैं या अभी कहना चाह रहे हैं नहीं मैं करूंगा, मेरे बच्चे नहीं करेंगे? मिडिल क्लास के लोग जो है ना वो जरा इस चीज को बहुत अलग नजर से देखते हैं। जी मैं जब यहाँ से ऑडिशन दे के गया हूँ उसके बाद मेरे से कितने सवाल हुए मोहल्ले में दोस्तों ने और खानदान वालों ने, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं तुम्हारे, मतलब तो होने दो, लोग तो कुछ ना कुछ शौक है। ये नजरिया तो चेंज करना है हमें, ये तो जिम्मेदारी है हमारी, तो इस शो का पर्सपेक्टिव है। हमेशा याद रखें कि लोगों के पास कुछ ना कुछ हमेशा होगा कहने के लिए, आप अच्छा करें बुरा करें कहेंगे जरूर लोग। और निदा मुझे ऐसा लगता है कि बातें ही करते हैं जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड। मुझे पहले फील हुआ कि ही डजंट गॉट द अपॉर्चुनिटी सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस, बट आपका तो अलग ही। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि लोग बोलते हैं यार ये चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग पता चल जाए कौन है। एक दफा चल जाए क्या। फिर से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। आज से तकरीबन 10-11 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो मैं एक म्यूजिक सीखने मतलब सिंगिंग सीखने जाता था एक जगह। अच्छा। तो मैं वहाँ कुछ दिन गया, उन्होंने मुझे चेक करा, उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए मुझे बोला कि अब आप रेडी हो चुके हो, अब आपको हम म्यूजिक कॉन्सर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन बस ये सोच के मैं पीछे आ गया, वापसी आ गया कि अब मैं जाऊंगा तो ज़ाहिर 10 लोग मुझे देखेंगे, मेरे घर पे पता चल जाएगा, मेरे से 10 सवाल होंगे। तो इस डर से मैं वापस आ गया, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मेरे उस्ताद ने, इदरीस नाम था उनका, कि बेटा एक बात याद रखना हमेशा, या तो शोक करो नहीं, और अगर कर रहे हो तो डरो नहीं, अगर आप सही काम कर रहे हो तो डरो नहीं। अगर मैं उस वक्त उनकी बात समझ लेता और थोड़ी सी कोशिश कर लेता तो शायद मैं कहीं ना कहीं गा रहा हूं। इट्स नेवर लेट, नहीं इट्स नेवर लेट, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप अभी भी कोशिश करें और देखें आपके नसीब में शायद इसी वक्त पे लिखा हुआ था आपकी मेहनत जो है माशाल्लाह से। आपने कहा कि मैं लोगों को बताता नहीं था कि मैं सिंगर हूं, आज आपने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैंने अपने मतलब फैमिली से छुप के 2-3 दफा म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाया भी हूँ और वहाँ पे मैंने गाया भी है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी, YouTube वगैरह काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो मेरे को टेंशन नहीं हुई। लेकिन अब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि अब तो हर चीज़ सामने आ रही है। अच्छा एक व्हाट आई सी कि फैमिली कितनी बड़ी स्ट्रेंथ और सपोर्ट होती है, अगर आपको ना किसी चीज़ में वो सपोर्ट कर रही हो तो आप कितना डिसहार्ट हो जाते हो। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आता, कभी कभी हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, हम कहते हैं कि जैसे मैंने इनकी बात बड़े गौर से सुनी और मेरा सवाल था कि अगर आपकी औलाद सिंगिंग की तरफ आना चाहेगी तो आप आने देंगे या नहीं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्मूथली लेकर इनकार कर दिया। पता है गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी सोसाइटी की है। हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन हो या मर्द हो, कहते हैं ना कि अगर कोई लड़की है वो सिंगिंग कर रही है, कह रहे ये क्या सिंगिंग कर रही है, ये तो कोई प्रोफेशनल ही नहीं है। मतलब आप चलो ठीक है सिंगिंग कर रहे हो, पैसा कहाँ से कमा रहे हो, पैसा कमाने के लिए आप क्या करते हैं। लोग ये नहीं देखते कि इसी चीज़ से अगर आप इंशाल्लाह अगर आप चल गए, आपकी आवाज़ अगर आपने मेहनत की तो आपको कितनी इनकम इसी से मिलेगी आपको तो पता ही नहीं होता। किसी तरीके से अगर वो थोड़ी बहुत होप जमा करके ट्राई भी करता है कुछ तो आप पहले ही मार देते हो नेगेटिव बोल बोल के, और जब आप नेगेटिव बोल रहे होते हो ना और सोच रहे होते हो तो वो होने लग जाता है। ये हकीकत है कि इंसान कोशिश कर रहा होता है, लोग उसको बोल बोल के मजीद उसका जज्बा खत्म कर देते। आप क्या करेंगे, आप टैकल कैसे करेंगे? कोशिश कर रहा हूँ। अगर जैसे आज शो हुआ या ऑनर हुआ, लोगों ने पसंद किया, कुछ लोग आके आपको बुराई करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बस वही बात है, बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, जो मुझे करना है।
कुछ लोग बोलते रहते हैं, राही चलते इस, रहते इस शो का जो अहम मकसद है, मुझे लगता है कि जब इस तरह के लोगों से मैं इस तरीके की बात सुनती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। कहीं ना कहीं हम कामयाब हो रहे हैं सोच को फैलाने में और लोगों के नजरिए को बदलने में कि आप जो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही राह पे चल के कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आसपास सराउंडिंग में जो भी लोग आपके मुखालफत में खड़े हैं, आपकी आपको उनकी सुननी चाहिए। हकीकत बात है। और देखिए, हम यहाँ पर अगर आज हम अलग अलग मुख्तलिफ लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी अपनी फील्ड से, मैं हमेशा कहती हूँ हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि कहीं ना कहीं एजुकेट करना, आप लोगों की सोच को तब्दील करना थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी भी हमारे माशरे के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना, नहीं चाहते हैं। और अगर इसमें से एक दो कोई ऐसा निकल आए जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि आप टांग खींच कर दूसरे को भी जो है वो लेकर आते हैं। तो अपनी सोच को बदलें। थैंक यू सो मच शाहिद कि आप आए, इंशाल्लाह आपको हम इसी तरह से जो है वो बुलाते रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि आप हमें क्या सुनाने वाले हैं। मैं एक और सॉन्ग आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाएगा। ये गाना सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन शाहिद भाई, आप वापस आए लोगों की फरमाइश पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको वापस तकलीफ देंगे बुलाने की। प्लीज गाना। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। काली काली आंखों में सपने सुहाने हैं, धीमी धीमी बातों में हया के फसाने हैं। काली काली अखियों में सपने सुहाने हैं, मीठी मीठी बातों में हया के फसाने हैं। रंगीन नजारों जैसी, सावन की फुहारों जैसी, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। वेलकम बैक। अभी हमने इतने खूबसूरत सिंगर से मुलाकात की और उनके गाने सुने, और वाकई में जब इंसान के अंदर टैलेंट होता है तो वो कभी कभी हमें नज़र भी आता है, वो जब हम किचन में जाते हैं तो वो गुनगुना रहे होते हैं, नो डाउट। तो वाकई में जब आपके इर्द गिर्द जब टैलेंट होता है तो प्लीज़ आप उसको जो है वो सपोर्ट किया करें ताकि वो टैलेंट आगे आ सके। और टैलेंट की नज़र भी चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं जिनकी जॉब ही है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, बट वो नहीं करते। वही वाली बात, पर्ची वाले सेटअप ज्यादा है एज कम्पेयर टू टैलेंट। हसद करने वाले भी तो आ जाते हैं बहुत सारे। बिल्कुल, हकीकत बात है। और टैलेंट की जहाँ बात हुई वहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर नहीं देखी फिल्म, तो मैं आप सबको आज कहती हूँ कि जाएं और जाकर फिल्म ज़रूर देखें। ISPR की तरफ से जो है वो फिल्म बनाई गई है बाकायदा एक है निगार के ऊपर, जिसमें जो मरतज़ किरदार है वो माहिरा खान ने जो है वो टेलीफिल्म है। यस, ये टैली फिल्म है और इसमें मरकज़ी किरदार जो है वो माहिरा खान ने किया है, और उनके जो शोहर है जो कि जौहर खान है, उनका किरदार बिलाल अशरफ ने किया है। तो 24 अक्टूबर को रिसेंटली जो है ये फिल्म रिलीज़ की गई है, और इस फिल्म में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि किस तरह से एक औरत की जर्नी दिखाई गई है, और सबसे इमोशनल पॉइंट ये है कि जब वो अपनी पूरी फैमिली को खो देती है, मतलब एक एक्सीडेंट में वो पूरी फैमिली को, उसके वालिद, उसकी वालदा, उसकी बहन, उसके भाई, वो तमाम फैमिली को खो देती है। और निगार एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पहली जर्नल खातून है, बल्कि जो है वो निगार ने, मतलब एक होता है ना कि आपको हस्बैंड की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। हमारे माशरे में क्या होता है, तो हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना एक अलमिया है, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर अगर किसी औरत का जो है वो औलाद ना हो तो उसको बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। मतलब अगर कोई औरत बांझ हो या किसी भी तरह से जो है, देखिए ये औलाद जो होती है ना वो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह किसको नवाजता है किसको नहीं नवाजता है, लेकिन हमारे माशरे में बहुत टारगेट किया जाता है इस चीज़ को। इसी तरह से इस फिल्म में भी जो है वो दिखाया कि अगर निगार को औलाद नहीं थी तो माशरे ने उसे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन जो बिलाल अशरफ जिन्होंने जो है वो
जौहर खान का किरदार अब निभाया है, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव होकर इस चीज़ को देखा, ना उन्होंने दूसरी शादी की कभी, ना ही जो है वो कभी अपनी बीवी को, इस किस्म का होता है ना कुछ लोग ताना देते हैं, तो ना कभी उन्होंने अपनी बीवी को ताना दिया। और ये बेसिकली एक ऐसी खातून है जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, बहुत ज़्यादा उनको शौक़ था कि वो डॉक्टर बने, साथ ही साथ वो एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहती थी कि जो कि अवाम की हिफाजत भी करे। और उन्होंने जो है वो पहली ऐसी खातून है निगार जिन्होंने जो है वो बाकायदा, जिसे कहते हैं ना आप आर्मी में जाकर जो असलहा होता है वो भी चलाना सीखा उन्होंने, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो अगर कभी हॉस्पिटल में कोई अटैक होता है या कभी ऐसा होता है कोई सिक्योरिटी खदशात होते हैं, तो वो अपने जितने भी वहाँ पर जो स्टाफ हैं जो पेशेंट्स हैं उनका दिफा कर सके। तो हमारे माशरे के अंदर ऐसी बाहिम्मत ख्वातीन जो होती हैं उनको हम प्ले की तरफ से और हम सबकी तरफ से उन सबको सलाम है। कुछ नेम मैं मेंशन करना चाहूँगी, सना मीर है वो फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेट पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया था, शर्मीन उबैद चिनॉय है वो दो ऑस्कर अवार्ड लेके आई पाकिस्तान में फर्स्ट फीमेल, और मैं मुनीबा रिजवान का पढ़ रही थी, उनका एक मुझे एक कोट है वो बहुत अच्छा लगता है, शी सेड के एक मैन एंड वेमेन बोथ शुड बी एजुकेटेड, वन एजुकेटेड वेमेन इज इक्वल टू वन एजुकेटेड जनरेशन, दैट्स ट्रू। सो आप एक औरत जो है वो एक जनरेशन को लेके चल रही होती है, बच्चों को पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें करना, और ऐसी काफ़ी सारी ख़वातीन हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें रोज़ाना सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सिर्फ घरों की हद तक, बच्चों की हद तक, फैमिलीज की हद तक नहीं रख सकते औरतों को, हकीकत बात है। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि मेरी जो टीम है वो मुझे हमेशा ये कहती है कि मैं फेमिनिज्म पे बहुत बात करती हूँ क्योंकि इट्स माय फेवरेट टॉपिक के बाद जब औरत पे आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है वो काफ़ी मासूम है इंटरनली, और वैसे भी देखा जाए तो उसकी बातें आप सुनेंगे ना तो आप सुनते ही रहेंगे। अच्छा, जब आप टीन एजेस बच्चे जो बच्चियाँ हैं जब आप उनके पास बैठते हैं उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मासूम तरीके से अपने ड्रीम्स बताते हैं कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, फिर जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है उसके बाद उसकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं क्योंकि बिकॉज उसकी फैमिली की तरफ से इतना उसके ऊपर बोझ होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने पे लग जाती है। जैसे कि यूनस जो है जब भी मैं औरत की बात करती हूँ कि मासूम है तो वो हंसते हैं कि आई डोंट नो कि उनके माइंड में औरत की क्या तस्वीर है, तो मतलब आई रियली रिस्पेक्ट वुमन। आप फेमिनिज्म की बात कर रही हैं, ऐसी एक जोक याद आ गया कि एक फेमिनिस्ट औरत में और एक बहस करने वाली औरत सेम चीज, और एक चाकू में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज एटलीस्ट अ नाइफ हैज अ पॉइंट। जी बस। अच्छा, चाकू जो है ना वो औरत को मर्द ही बनाता है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जब औरत की शादी होती है तो जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, औरत तशद्दुद तशद्दुद का निशाना बनती है। आप जब मर्द होता है वो जब औरत को मारता है तो वो औरत मजबूत हो जाती है, और मजीद जब उसके अंदर ये बात आती है कि यार मुझे इसने मार लिया ना, एक दफ़ा मार लिया, दो दफ़ा मार लिया, उसके बाद वो औरत बिल्कुल मजबूत हो जाती है, तो जब उसकी ज़ुबान चलती है तो हम ये क्या बोलते हैं कि जी इसकी इस औरत की ज़ुबान की वजह से घर ख़राब हो गया। ठीक है, तो औरत को प्लीज़ इस तरह मत कहा करें कि जी औरत ही गलत है, जब मर्द उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आप मैंने काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि बीवियों को बोल देते हैं कि जी आप नौकरी करें, हम घर बैठे हैं बच्चों का संभाल रहे हैं। क्यों? बिल्कुल ऐसा ही। मर्द जब बना ही नौकरी के लिए तो आप औरतों को क्यों कहते हैं? तब अगर तो मर्द बना है नौकरी के लिए, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। तो जब औरत को जब आप कहते हैं कि जी बाहर जाकर काम करें, फिर जब वो औरत जो है वो अपनी चीजें काम करना बिल्कुल तरीके से काम कर रही होती है, उसके ऊपर शक किया जाता है। क्यों शक किया जाता है? कि उसका फोन चेक किया जाता है, उसकी उसकी बातों को नोटिस किया जाता है, क्योंकि जब आप घर में बैठे रहते हैं और आप पक जाते हैं और आपके माइंड में नेगेटिव चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होती हैं। इस बात को प्लीज आप लोग भी एग्री करेंगे। I want to say something. जब when we talk about feminism, feminism का मतलब है कि social, political और economical rights जो हैं ये तीनों हकूक औरत और मर्द को equal दिए जाएँ। लेकिन ये औरत इस हथियार के कह सकती हूँ इस हथियार का इस्तेमाल उस सूरत में कर सकती है जब वो करना चाहे। वो कुछ अलग केसेस हैं जिनकी आप बात करें कि मर्द घर में बैठे और औरत को कहते हैं कि आप जाके काम करें, वो तो खुद अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। उसमें तो औरत बल्कि उनके बिहाफ पे जाके घर चला रही है। बात यहाँ पे लड़ाई जंग मर्द या औरत या शक करने की नहीं है, यहाँ पे बात ये कि अगर हम औरत की बात करते हैं, वो औरत जो बाहर जाके काम करना
करना चाहती है अपनी मर्जी से, या अपने घर को चलाना चाहती है, या खुद कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, स्टेबल और इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए हम फेमिनिज्म टर्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत भारी भरकम सा ये लफ्ज़ है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से समझे तो इसमें कहीं भी मर्द को ऊंचा या औरत को ऊंचा दिखाने की कोई लड़ाई नहीं है, इसमें इक्वालिटी की बात की जाती है। आई वॉन्ट टू से, नंबर वन, आपने कहा कि मर्द नौकरी के लिए बना हुआ है तो फिर औरतें घर पर बैठे काम क्यों कर रही हैं, ठीक है। नंबर टू, अगर आप फेमिनिस्ट की बात करते हैं, फेमिनिस्ट का तो स्लोगन यही है मेन एंड वुमन आर इक्वल, तो अगर मर्द है जरूर, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मर्द घर पर बैठे। और ये नहीं, लेट मी फिनिश ना, आई लिसन एवरीथिंग व्हाट यू सेड, दैट्स माय टर्न, यू लिसन। तो वुमन जो है, जो इसमें बुराई नहीं है कि मर्द घर पर बैठे बच्चों का ख्याल करे और औरत जॉब पे जाए, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड पाकिस्तान, वी लिव इन पाकिस्तान, हमारी एक सोसाइटी है, हमारे नॉर्म्स है, हमारा कल्चर है, और अभी से नहीं, पिछले 70 सालों से चल रहा है, तो फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई लड़की, कोई ऐसी फैमिलीज मैंने देखी हैं कि मर्द और औरत, हस्बैंड वाइफ खुश हैं, मर्द घर में बैठा हुआ है, औरत जॉब कर रही है, और सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रही है। इंटरनेशनल चले जाएं आप, मर्द और औरत दोनों काम कर रहे होंगे, उनके बच्चा 18 साल से टच होने से पहले जॉब करने लग जाता है। तो ये सोसाइटीज है, डिफरेंट कल्चर्स हैं। हमारे यहाँ औरत पे तशद्दुद करते हैं लोग, बहुत करते हैं, और गलत बात है, लेकिन एट टाइम्स, क्योंकि इस्लाम में भी इजाजत है हल्का फुल्का तशद्दुद करने की, अंटिल एंड अनलेस आपकी वो सुन नहीं रही हो। औरत, आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी, बट कहीं ना कहीं औरत भी गलती पे होती है जब वो समझती नहीं है। औरत मर्द से ज्यादा इमोशनल है और मर्द ज्यादा लॉजिकल है एज कम्पेयर टू वुमन। दैट्स नॉट मी, दैट्स सर्वे। औरत दिल से सोचती है, मर्द दिमाग से सोचता है, बट इस दुनिया में जीने के लिए आपको दोनों यूज करना पड़ता है, दिमाग और दिल। एट टाइम्स आप इमोशनल हो जाते हैं, एट टाइम्स आपको ऐसा डिसीजन लेना है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने हैं। औरत नहीं देखती, औरत फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस देखेगी, लेकिन मर्द, व्हेन अ मैन टेक्स अ डिसीजन, ही थिंक्स अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स, नॉट ओनली वन, ट्वाइस, थ्राइस, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स, उसके क्या रिवर्ब इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो औरत मर्द, मैं ये नहीं कहता कि औरत गलत है या मर्द गलत है, आप इंसानियत के साथ नाइंसाफी करेंगे वो गलत है, वो either it's men or woman। There is one more thing, अगर औरत अपनी करने पे आ जाए तो पूरी नस्ल इंसान की तबाह कर सके। और आप खुद सोचे ना, सल्तनत तबाह होगी औरत के चक्कर में। बाबू भाई, औरत का चक्कर बहुत बुरा चक्कर है। मेरे कहने का ये मकसद था कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। लेट सपोज एक औरत मासूम है और अपनी फैमिली को चलाना चाहती है, तो उस पे जो मर्द होते हैं वो तशद्दुद करते हैं, और कुछ ऐसी औरतें हैं जो ऑलरेडी खराब होती हैं, ठीक है, जो जिनको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, तो वो उन, मतलब मैंने पूरी बात की ना कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, कि मर्द और औरत की सेम ऑब्वियसली देयर इज गुड एंड बैड। देखिए, यहाँ मर्द और औरत का वो बात नहीं कर रहे हम लोग, हम इधर बात कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। जैसे एक थी निगार, एक है निगार, जो आपने टेलीफिल्म के बारे में बताया, उसके हस्बैंड भी सपोर्टिव थे ना उनके, या नहीं थे? तो ये इट गोज, मतलब आप केसेस टू केसेस हैं। हमारे शहर कराची में अगर आप शादी करने जाते हैं, आज की लड़की की बात कर रहा हूं मैं, तो जो भी चीजें वो पहले तय होती हैं कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी, मैं शादी के बाद पढ़ूंगी, या जो भी है, शादी के बाद अगर कोई रिएक्ट करेगा जो तय हो चुका है, उस पर अगर रिबेल करेगा, आइदर इट्स मैन और वुमन, तो दैट इज द पर्सन एट फॉल्ट ना। जो कमिटमेंट है उसी पे चलना चाहिए। जी, दैट्स ट्रू। ये हकीकत है कि देखिए, पांच उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। जहां कभी मर्द खराब होता है वहां कभी औरत भी खराब होती है, जहां औरत खराब होती है वहां मर्द भी खराब होता है। और हमारे माशरे के अंदर आज ये एक है निगार की जो ये स्टोरी है, जो कहानी है, वो आप लोगों के सामने रखने का मकसद सिर्फ ये था कि औरत ने ना सिर्फ जो है वो अपने आप को तमाम तक जितने भी शोबे हैं उनमें मनवाया है, हर जगह पर जो है वो अपना टैलेंट दिखाया है। हमारे माशरे के अंदर अभी भी छोटी सी बस जरूरत है कि जो खास तौर पर अगर आप गांव देहात में जाए तो वहां पर फीमेल्स को जो है वो एजुकेशन में रोका जाता है कि स्कोप नहीं है, कुछ आगे फ्यूचर नहीं है। तो देखिए, एक है निगार में ये चीज आप लोगों के सामने रखी गई है कि एक औरत अगर चाहे तो वो पाकिस्तान की जिस तरह से पहली जर्नल बनी है, इस तरह से वो पाकिस्तान में जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी बात मनवा सकती है। जैसे अगर मैं यहां पर थोड़ी सी बात ऐड करूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाहिद फीमेल थी जो कि वजीर आजम बनी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, दैट्स ट्रू। और यहां पर अभी भी जो है वर्ल्ड में जहां मर्द वजीर आजम होते हैं वहां खवातीन भी वजीर आजम होती है। तो आज हमारे इस शो का मकसद है तमाम तर जो खवातीन ऐसा समझती हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो फैमिली की वजह से थोड़ा पीछे हैं, ये वक्त है कि आपको खुद मुख्तार होना है, अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।